से कि रिस्पेक्टेड हमारे सीवी आनंद सर एक अच्छे हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस तेलंगाना के हैं, तो उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूं और हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से भी गुजारिश करता हूं और हमारे एमपी असदुद्दीन साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं और हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव सर से और केटीआर सर से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूं। आजकल सोशल मीडिया एक मछली मार्केट बन चुका है, यानी देखिए कोई प्राइवेसी की कोई प्राइवेसी जो है ना यहां पे मौजूद नहीं है। अगर वो लोग कुछ हमारे दरमियान ऐसे अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं, बस उनको फोन उठाना कॉल मिलाना इतना ही मालूम है, उनसे क्या गुफ्तगू हो रही है उनको भी नहीं मालूम। होमगार्ड से लेकर हमारे होम मिनिस्टर तक जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तमाम हजरात को फोन करते हैं, बात करते हैं और फेसबुक पर यूट्यूब पर आके उनकी बातों को, उनसे जो गुफ्तगू होती है वो चीज को वायरल करते हैं। और यहां पे देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर एक कम्युनल सिस्टम चल रहा है यहां पर, यानी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की जो है ना एक फसाद है, दिन रात जो है ना ये लोग चल रहे हैं। कभी बीजेपी आरएसएस वालों से बात करते हैं, उनको छेड़ते हैं और उनको जो है ना उकसाते हैं और इन्हों भी कुछ कहते हैं वो चीजों को लेकर आके जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, यानी एक किस्म का दंगे फसाद लगाने की जो है ना इनकी नाकाम कोशिशें चल रहे हैं। मैं सीवी आनंद सर से, महमूद अली साहब से और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के एसीपी साहब, डीसीपी साहब जितने भी हैं, उन तमाम हजरा से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इस किस्म के चिचोरापन के चिचोरे लोगों पर आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और हमारे पीसफुल तेलंगाना में अमन और शांति बरकरार रखिए।